हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एक सिंपल प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है जिसमें मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और प्रोडक्ट बनता है मैग्नीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस। तो इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा रिएक्टेंट इसमें ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा इसमें रिड्यूस्ड हुआ है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और वहीं पे रिडक्शन का मतलब ये है कि गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें आप मैंगनीज ऑक्साइड को देखिए, ये जो मैंगनीज ऑक्साइड है इसने ऑक्सीजन लूज कर दी है, ऑक्सीजन लूज करके मैंगनीज क्लोराइड बनाया है। और वहीं पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने हाइड्रोजन लूज कर दी है और क्लोरीन गैस बनाई है। अब देखो, मैंगनीज ऑक्साइड ने क्या लूज किया है, ऑक्सीजन, तो हम ये बोलेंगे मैंगनीज ऑक्साइड क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लूज किया है। वहीं पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने हाइड्रोजन लूज किया है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइज हो गया है और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं इसको लिख देता हूं, मैंगनीज ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मैंगनीज क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन।